आपके साथ आपकी होम कुक स्वाति है और आज हमारे किचन में हम बनाने जा रहे हैं बादाम की कुल्फ़ी, जो आपके गर्मी को शांत करेगी, यानी कि बीट द हीट का टाइम आ चुका है। तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग दैट बादाम कुल्फी। बट उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारी रेसिपीज पसंद आ रही है, देन प्लीज़ क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, यू कैन शेयर विद योर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स टू। नाउ लेट्स सी इंग्रेडिएंट कार्ड्स फॉर मेकिंग दैट बादाम कुल्फी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये दूध है, एक लीटर फुल क्रीम दूध जो आपका है, इसे मैं गाढ़ा कर लूँगी, यानी कि इसको तब तक चलाते रहना है मॉडरेट फ्लेम पे बीच बीच में, जब तक ये 1/3 ना हो जाए, यानी कि 1/3 हिस्सा इसका जब तक ना पहुँचे तब तक इसे हमें गाढ़ा करते रहना है और बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है। ये जो दूध है ये आधा हो चुका है, तो इसे भी हम और चलाएंगे जिससे कि 1/3 ये बचे। इस दूध को गाढ़ा करने में अप्रोक्स 1/2 आवर आपको लग जाते हैं, बट पेशेंस की ज़रूरत होती है। और अभी जो ये दूध है ये 1/3 पार्ट ही बचा है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट ऐड अनदर इंग्रेडिएंट्स टू मेक कुल्फी। सो अब इसमें हमें ऐड करनी है अपनी बाकी सारी सामग्रियाँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि इसमें मैं ऐड कर दूँगी 2.5 टेबल स्पून ऑफ मिल्क पाउडर। ये आपका जो मिल्क पाउडर है बाज़ार में मिलता है, आप उसे ले लीजिए। और ढाई बड़े चम्मच इसमें मिल्क पाउडर मिलाएंगे, मैंने बड़ा चम्मच यूज़ किया है, काफ़ी बड़ा है ये। सो अब इसमें मुझे ऐड करना है मक्खन, थोड़ा सा मक्खन मैं ऐड कर रही हूँ, इट्स ऑप्शनल, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं ऐड कर दे रही हूँ। ये 2 टेबल स्पून ऑफ बटर, अनसॉल्टेड बटर है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसमें मैं सेम अमाउंट ऑफ मिल्क पाउडर जितना लिया था उतनी ही अमाउंट की मैं चीनी इसमें मिला रही हूँ, दैट्स अ पाउडर शुगर, पिसी हुई चीनी है। और इसे मिलाने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, कंटिन्यूस चलाती रहूँगी। और उसके बाद में अब बारी है इसमें ऐड करने की आमंड्स, तो मैंने बादाम को धुल कर और अच्छे से मैंने इसे चॉप कर लिया था और इसमें मैं मिला लूँगी। 5 मिनट के लिए मैं इसे और पकाऊंगी, इसे उबाल लूँगी और अब ठंडा करके मैं इन्हें जिसमें मुझे कुल्फ़ी जमानी है उसमें मैं इसमें डाल दे रही हूँ। तो मैं ये हमारे पास छोटे छोटे कुल्फ़ी के बर्तन हैं जिसमें मैं ये जो दूध है पका हुआ दूध है इसे मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और इसे मैं अप्रॉक्स 7-8 घंटे के लिए फ्रिज में रखा और ये देखिए कुल्फ़ी हमारी जम गई है। इस तरह से हाथों से रब करना है, स्मूथ एंड सॉफ्ट कुल्फ़ी तैयार है। सो आप भी बनाइए अपने घर पर ये बादाम की कुल्फी। और अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट रेसिपी।